अभी तक आपने विभिन्न ऐसे आयुर्वेदिक पेड़ों का वर्णन सुना होगा जिनके माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। कुछ इसी तरह का उल्लेख इस गूगल पेड़ का भी है। जिस तरीके से गूगल का उल्लेख करते हैं कि गूगल हर समस्या का समाधान ढूंढता है, उसी प्रकार यह पेड़ भी हर समस्या का समाधान ढूंढने में सहायक है। ऐसे में हमारे साथ बॉटनी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, हमसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पेड़ का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी पेड़ के बारे में जब तक पूर्ण रूप से जानकारी ना हो उसका उपयोग करने में भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कई बार उसका नुकसान भी देखने को मिलता है। काफी ऐसे पौधे होते हैं जो लोगों के काम आते हैं, ऐसे में इस जो पेड़ है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस समय हम लोग जो है वो जो आम भाषा में गूगल बोलते हैं जिसको, ये उस गूगल से अलग है जो इंटरनेट से अलग है। गूगल इसका बॉटनिकल नेम कोमीफेरा वाइटाई है, और ये जो है अगर हम आज के ज़माने में कैंसर जैसे रोग के भी प्रति विरोधक का काम करता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज इसमें है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर कहीं पर सूजन आ गई है तो उसको दूर करता है, और इसका जो जितना भी लेटेक्स निकलता है उससे जो पदार्थ बनता है वो बिल्कुल गोंद जैसा लगता है, और हवन सामग्री में उसका विशेष उपयोग है। गूगल गुरु की तरह ये भी वास्तव में गूगल गुरु है, जो है प्लांट्स किंगडम में ये भी गूगल गुरु है। डॉक्टर साहब, पहले हम आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर विजय मलिक है, मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। डॉक्टर साहब, आज के समय में देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति तनाव से ग्रस्त नजर आता है, ये पौधा है क्या इसे कहा जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस पौधे के पास मैं खड़ा हूँ इसको बॉटनी में कोमीफेरा वाइटाई या कोमीफेरा मुकुल कहते हैं, और हिंदी में इसको हम गूगल कहते हैं, और ये प्लांट आजकल थ्रेटन्ड प्लांट की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये दुर्लभ प्रजाति है, और हमारे यहाँ पर ये गुजरात और राजस्थान में आपको देखने को खूब मिलेगा। इस प्लांट के अंदर लेटेक्स होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेडिसिनली, उसको हम ओलियोरिजिन होता है, वो येलो कलर का होता है थोड़ा सा, और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसकी जो स्टिक होती है इंसेंस स्टिक, उसको जो है हम टेंसर और एंग्जाइटी रिलीव करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसका जो क्या नाम है ये होता है लेटेक्स, लेटेक्स अगर आप खुशबू लेके देखें बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, इसको हवन सामग्री और दूसरी इस तरह की चीज़ों में भी हम यूज करते हैं, और इसके लेटेक्स को हम पाउडर या दूसरी फॉर्म में भी हम यूज, एक्जेमा और सोरेसिस में भी इस प्लांट को हम यूज करते हैं, यानी कि जो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को ये रिमूव कर सकता है, टेंसर रिमूव कर सकता है, एंग्जाइटी रिमूव कर सकता है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि चेहरे पे जो देखते हैं ये कील मुहाजे सहित अन्य प्रकार के दाने हो जाते हैं उसको रिमूव करने में भी ये पेड़ सहायक है? सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट ये है कि ये मुहासे को जो है ये रिमूव कर देता है, क्योंकि ये उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है जिससे जो है मुहासे हमारे जो है चेहरे पर होते हैं। किस तरह इसका उपयोग कर सकते हैं? इसको हम टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसको हम पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसका एक जो गम होता है वो ओलियोरेजिन होता है, गोंद की तरह वो दिखता है, उसको हम यूज कर सकते हैं एक्ने और एक्जेमा और या सोरेसिस बीमारी के लिए। तो कितनी मात्रा में इसका यूज किया जा सकता है? इसका पेस्ट बना के हम जैसे मुहासा यहाँ हो रहा है तो हम उसको पेस्ट को हम ऐसे लगा सकते हैं और इसको जो है ये बिल्कुल राहत देगा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए भी ये गूगल एक खजाना हो सकता है जो कई तरह की बीमारियों में सहायक बनेगा। लोकल 18 मिनट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।